राधे राधे। मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं गुरुवार के दो दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हार्दिक प्रार्थना करती हूँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपका तुरंत प्राप्त हो। ये प्रयोग मैंने दैनिक गोचर और ग्रह परिस्थितियों के आधार पर तैयार किए हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, किसी भी लग्न के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, भारत में रहते हों, भारत से बाहर रहते हों, ये स्त्री पुरुष पर समान रूप से प्रभावी है। 10 वर्ष के से ऊपर के सभी बच्चों को ये प्रयोग किया कराए जा सकते हैं और इनसे शुभता प्राप्त की जा सकती है। ये प्रयोग जन्मांग में हमारे 9 ग्रहों पर आधारित प्रयोगों के द्वारा हम जन्मांग में जो भी ग्रह हमारे कमजोर होंगे उनमें प्रयोगों द्वारा शुभता आना शुरू हो जाएगी और उनके सुफल प्राप्त होना लगेंगे। क्योंकि जून के महीने में लगातार 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण है, 1 सूर्य ग्रहण है। जुलाई में भी एक ग्रहण पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक स्थितियां दिन पर दिन बदतर होती चली जाएंगी। ग्रह परिस्थितियां अच्छी ना होने की वजह से, लॉकडाउन की स्थिति होने की वजह से मानसिक स्तर आदमियों का नीचे जा रहा है। इन छोटे छोटे प्रयोगों से हमारे मन में बल आने लगेगा, हमारा मन पॉजिटिव सोचने लगेगा और मन प्रसन्न भी होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, साथ में ही हमको धन के मार्ग में कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मेरे इन दोनों ही प्रयोगों को समान रूप से एक साथ करना होगा, यानी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोनों को ही आपको एक साथ करना है और निरंतर यानी कि लगातार ही करना है। कम से कम आप 21-27 दिन तो कीजिए। आप जब इनका प्रभाव देखने लगेंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है। ये प्राचीन ज्योतिष विधाओं से लिए गए उपाय हैं। ये ना तो किसी पूजा पाठ से संबंधित है और ना ही किसी रत्न इत्यादि से, ये प्राचीन ज्योतिष से लिए गए उपाय हैं। ये देखने में जितने छोटे हैं, आपको लग रहा है मैं क्या आपको तरह तरह के अजीब अजीब उपाय बता रही हूँ, लेकिन आप जब इनका प्रयोग करेंगे और जब आप देखेंगे कि आपको इन ग्रहों इन प्रयोगों से ग्रहों में सुविधा मिल रही है तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो प्लीज़ इन उपायों को आप स्वयं करें और अपने परिवार के लोगों को भी कराएं। 4 जून 2020 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 2:20 से 3:50 तक दोपहर में। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको सुबह थोड़े से गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में 2-3 चुटकी हल्दी का पाउडर और 1/2 चम्मच या 1 चम्मच शहद डालकर उसको आपको सेवन करना है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर में आपको रजत वाला रा आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर आपको कहीं भी रेड कलर के स्केच पेन से आपको इसको लिखना है। आप अगर अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक कागज की चिट पर भी आप इसको लिख कर अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। साथ में ही अगर आप अपनी मातृभाषा में भी शब्द को लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आपका रा ही होना चाहिए। अब इसके साथ ही आप ये दोनों प्रयोग मेरे पूरे हुए। एक बार मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, 3 लोगों को फॉरवर्ड करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और उन्हें भी इन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि मैं ज़्यादा लोगों को इन प्रयोगों का फ़ायदा हो सके। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ परामर्श चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आज जिनका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये साल शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उन सभी व्यक्तियों को थोड़े से साबुत चावल हल्दी में मिक्स करके एक पुड़िया बनाकर अपने पर्स या जेब में रख लेना चाहिए। हर हफ्ते इन चावलों को बदल दीजिए और नए अपने पॉकेट में फिर से रख लीजिए। ये वर्ष भर आपको शुभता प्रदान करेंगे, साथ में ही आपके ग्रहों में भी मजबूती लाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।